कुछ लोग तो उम्मीद रखते हैं, आस रखते हैं, लेकिन ये प्रदीप आचार्य वादा करता है आपसे, अगर सरपंच चुनाव अगर जीत गया तो 100% ईंट से ईंट बजा देगा, लेकिन गांव के युवाओं के लिए, रोजगार के लिए भागदौड़ करता रहे। मैं ईमानदारी से कहता हूँ कि जनता की भावना के साथ जितना मैं, मेरे को फुल मोहब्बत मिलेगा, मैं ये तमन्ना रखूँ 700 वोटों से मैं जीतूँगा। और मैंने आगे के लिए मैंने 5 साल ढंग से सेवा की। 4-5 कैंडिडेट कई ऐसे हैं, उनको अगर आपने हमसे पूछा गेरी में स्कूल कितने तक है, तो उनसे पूछ लेंगे बालिकाओं के लिए क्या सुविधाएं हैं, तो वो ये नहीं बता पाएंगे आपको। तो मेरे को ऐसा सरपंच चाहिए जो हर समस्या का समाधान दे। ग्रामीण एरिया है, मगरा बेल से सटा हुआ, हमारे एरिया में एक नहीं बहुत सारी समस्या है, लेकिन सरपंच ऐसा हो जो 36 कौम को, पूरे ग्रामीण एरिया को साथ में लेते हुए शिक्षा का, विशेष करके शिक्षा, मगरा बेल से सटा हुआ है। तो नमस्कार, जैतारण न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हाजिर हूँ आईबी खान और आप देख रहे हो जैतारण का सबसे बड़ा जैतारण न्यूज यूट्यूब चैनल। दरअसल आज रायपुर पंचायत समिति की गिरी ग्राम पंचायत मुख्यालय पर मौजूद हूँ। बताना चाहूँगा कि गिरी अपने आप में एक अमीट पहचान रखता है, इसके बारे में लंबा चौड़ा इतिहास है। गिरी वो है जहाँ शेरशाह सूरी को भी एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए अपनी दिल्ली की सल्तनत को खोने को मजबूर होना पड़ा। तो गिरी के बारे में बहुत लंबा छोटा इतिहास है, जब मौका मिलेगा तब बात करेंगे। बहरहाल गिरी में आज इस उद्देश्य से आया कि आगामी 28 सितंबर को पंचायती राज संस्थाओं को लेकर यह सरपंचों के चुनाव है, और इस बार इस गिरी ग्राम पंचायत में सामान्य वर्ग की सीट है। गत सरपंच की बात करूं तो ओबीसी महिला की सीट थी। और बताना चाहूँगा कि इस गिरी ग्राम पंचायत में कुल 11 वार्ड है और 4000 से अधिक मतदाता, इस बार अनेक पूर्व भी है, कुछ लोग हैं जो अपना भाग्य आजमा रहे, कोई नए उम्मीदवार भी है, युवा उम्मीदवार है, वो भी भाग्य आजमा रहे हैं। गाँव में बहुत सारी समस्याएं हैं, बहुत मुद्दे हैं, किन मुद्दों पे ये चुनाव लड़ रहे हैं, क्यों लड़ रहे हैं, तो तमाम बातें हम आज जानने का प्रयास करेंगे। और गांव में बहुत सारी समस्या है, हालांकि कोरोना महाकाल को लेकर मैंने सबको ये हिदायत दे रखी है कि आप सोशल डिस्टेंस का पालन करें और चेहरे पर मास्क लगाएं। बहरहाल बात शुरू करते हैं, मेरे साथ मौजूद भाई साहब का नाम जानना चाहूँगा। प्रदीप आचार्य। प्रदीप जी आचार्य, शायद मैंने कहीं इस गिरी के मार्केट में आपके होर्डिंग्स देखे थे, आप सरपंच के प्रत्याशी हो। बिल्कुल साहब, जनता ने इच्छा जाहिर की है कि मैं सरपंचों का चुनाव लड़ूं गिरी गाँव से, और जनता के आशीर्वाद से मैदान में उतरा हूँ। प्रदीप जी, मैं जानना चाहूँगा आप किस विजन को लेकर चुनावी मैदान में उतरे हो, आपका क्या उद्देश्य रहेगा, क्या आपका चुनावी एजेंडा है जिनको लेकर आप चुनाव मैदान में उतरे, आप युवा भी हो। सर्वप्रथम तो सभी को राम राम। मेरा निवेदन ये है कि कुछ लोग वादे लेके चलते हैं और मैं इरादे लेके साथ में चलता हूँ। इरादे वाले तो फौलादी इरादे रखते हैं। और बिल्कुल मेरे इरादे फौलादी है। गिरी गाँव पिछले कई वर्षों से, मेरी उम्र 30 साल है और मैंने इस उम्र में 8-10 सालों से मैं भी राजनीति में सक्रिय हूँ, और मैंने देखा है कि गांव कई विकास के कार्यों में वंचित है। जैसे कि एक तरफ से देखा जाए तो आप गांव के स्वच्छता को देख सकते हैं, स्वच्छता में परिपूर्ण गांव नहीं है, चारों तरफ गंदगी फैली हुई है, इससे क्या बीमारियाँ भी होती है और लोग परेशान भी होते हैं गंदगी से। दूसरा, मैंने देखा है कि स्थानीय लेवल के जो युवा है, जो अच्छी पढ़ाई करने के बाद भी, IIT करने के बाद, ITI करने के बाद, अच्छी इंजीनियरिंग करने के बाद भी, पास में इतनी सारी फैक्ट्रियां है, श्री सीमेंट है, अंबुजा है, अल्ट्राटेक है, बांगड़ सीमेंट, इतनी सारी सीमेंट फैक्ट्रियां है, और उन सीमेंट फैक्ट्रियों में अगर स्थानीय लोगों को रोजगार नहीं मिलता तो। प्रदीप जी मैं रोकना चाहूँगा, ये मांग अकेले गिरी ग्राम पंचायत की नहीं है, इसके लिए हम जैतारण शहर सहित पूरी विधानसभा इस बात को लेकर बुलंद आवाज रखती है कि जो इस जैतारण विधानसभा क्षेत्र में लगभग 4 औद्योगिक सीमेंट इकाइयां हैं जिसमें युवाओं को रोजगार चाहिए, आपका महत्वपूर्ण बात है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये होने वाला है। सर, जैतारण विधानसभा पूरा अपना ही विधानसभा है। मैं निवेदन करना चाहूँगा, कुछ लोग तो उम्मीद रखते हैं, आस रखते हैं, लेकिन ये प्रदीप आचार्य वादा करता है आपसे, अगर सरपंच चुनाव अगर जीत गया तो 100% ईंट से ईंट बजा देगा, लेकिन गांव के युवाओं के लिए, रोजगार के लिए भागदौड़ करता रहेगा और रोजगार दिला के रहेगा श्री सीमेंट में। प्रदीप जी, मेरी ओर से आपको शुभकामनाएं है, आपको भी शुभकामनाएं है, और आपके प्रतिद्वंदी जो भी है उनको भी शुभकामनाएं, मेरे लिए सब बराबर है। मैं कहना चाहूँगा, यदि आप चुनाव हार जाते हो, चुनावों में हार जीत होती रहती है, एक सिक्के के दो पहलू है, यदि हारने की स्थिति आ जाती है, ऐसी स्थिति में आप क्या करोगे?
सर मैं 5-7 सालों से राजनीति में सक्रिय हूँ। जीत हार मेरे लिए मायने नहीं रखती है, मेरा गांव मेरे लिए मायने रखता है और मेरे गांव के युवा मायने रखते हैं और मेरे गांव के मायत मेरे लिए मायने रखते हैं। सर्वप्रथम तो आपको बताऊँ, मैं जीतू तो भी सक्रिय हूँ, हारू तो भी सक्रिय हूँ, हर धार्मिक सांस्कृतिक कार्यक्रम में, हर लेवल के कार्यक्रम में मैं हमेशा अग्रणी रहता हूँ और भगवान से उम्मीद करूँगा भगवान मुझे इतनी समृद्धि दे, इतना प्रबल दे कि मैं आगे भी गाँव के प्रति हमेशा खड़ा रहूँ। एक मेरा निवेदन और है कि गिरी गांव एक ऐतिहासिक नगरी है, आप लोगों को पता है, यहाँ पर जेता कोपा नरा सिंह जी राउत जैसे बड़े बड़े वीर योद्धा जन्मे हैं, जिन्होंने अपने प्राणों की चिंता न करके गांव की रक्षा की है। और आपने बताया था, शेरशाह सूरी ने कहा था कि मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं अपनी दिल्ली की सल्तनत खो बैठता, तो मैं बता दूँ संपूर्ण राजस्थान को, उस गिरी गांव के ऐतिहासिक नगरी में हम युवाओं ने जन्म लिया है और हमारे लिए गौरवान्वित महसूस करने वाला पल है ये। और मैं चाहता हूँ ये सब होते हुए भी कहीं ना कहीं ऐतिहासिक नगरी से गांव बहुत पीछे है। पंडित जी, मैं जानना चाहूँगा, आपको रोकना चाहूँगा, गत सरपंच साहब थे, उनका कार्यकाल आप किस रूप में देख रहे हो? मैं गत सरपंच साहब गौतम जी पहलवान भाई साहब थे, उन्होंने कार्य करवाए, लेकिन कुछ कार्य ऐसे थे जो कार्य करवाने जरूरी थे बट उनकी नज़रों में शायद आए नहीं। पर मैं उनके बारे में कुछ आपको गलत नहीं बताना चाहूँगा क्योंकि व्यक्तित्व अच्छा, उनका काम भी उन्होंने अच्छा करवाया है। अभी कुछ कहना भी अपने लिए नुकसानदायक हो सकता है, मैं नहीं चाहूँगा कि आप, हाँ बादशाह आपका नाम, मैं आऊँगा आपके पास जोड़ के, क्या नाम है आपका? देवीलाल है। देवीलाल जी, आगामी 28 सितंबर को इस गिरी ग्राम पंचायत के लिए चुनाव है, बहुत सारे प्रत्याशी मैदान में, आप कैसा सरपंच चाहते हो और इस ग्राम की प्रमुख समस्या क्या है जिसका आप समाधान चाहते हो? यूँ है साहब, यह मतलब सब जनता ने हिल मिल के मतलब प्रदीप जी ने खड़ा किया है और अच्छा मतलब पढ़े लिखा है और उम्मीदवार है कि भाई अच्छा काम करेगा ये। समस्या क्या है? समस्या तो मतलब गांव के अंदर जो मतलब जगह जगह हड़का टूटी हुई है वो पूरी नहीं हुई है, इसीलिए मतलब ऐसा आदमी आए तो पूरा कर सके। और कोई भाई साहब? हाँ भाई साहब, आपका स्वागत है, बहुत युवा, मेरी तरह युवा लग रहे, हसमुख चेहरा है, सहित मेरे मित्र भी है, पहली बार मिलना हुआ, क्या नाम है आपका? खान साहब तखतराज नाम है मेरा, मैं आपका गिरे में हार्दिक स्वागत करता हूँ। और मेरी तो यही मांग है कि सरपंच ऐसा व्यक्ति हो जो पहली बात तो सब 36 कौम को जो साथ लेके चले। अभी इस गांव के अंदर सुनने में आ रहा है हर जातिवाद के नाम पे चुनाव हो रहा, जातिवाद का तो जहर होना ही नहीं चाहिए। मैं इसकी गौर निंदा करता हूँ और मैं ऐसे आदमी को कभी पसंद नहीं करता हूँ करूँगा कि जो जातिवाद के नाम पे चुनाव लड़ेगा। और रही बात मुद्दों की, तो मुद्दे ऐसे हैं कि जिन सरपंचों को यही पता नहीं है कि अपने गांव में क्या समस्या है, मूलभूत समस्या है क्या है, उनको आज पूछ सरपंच 4-5 कैंडिडेट कई ऐसे हैं उनको, अब आपने हमसे पूछा गेरे में स्कूल कितने तक है तो उनसे पूछ लेंगे कि बालिकाओं के लिए क्या सुविधा है, तो वो ये नहीं बता पाएंगे आपको। तो मेरे को ऐसा सरपंच चाहिए जो हर समस्या का समाधान दिलवा सके और युवाओं को विशेष करके अपने साथ जोड़ के रखे और सब अपनी हर समस्या, जैसे मूलभूत साफ सफाई की समस्या है, गवर्नमेंट का आज स्वच्छ भारत के तहत आप खुद लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि हर प्रति महीने इतना बजट आता है सफाई के लिए, फिर भी गांवों के नाले गंदी पड़ी मिलती है और रोड के मेन रोड पे चारों तरफ कचरा ही कचरा दिखता है। और दूसरी बात, विशेष मैं रेगर समाज से बिलोंग करता हूँ, जिससे कि आज तक वो नाला है जिसमें पूरे गाँव का पानी आता है, उतने सरपंच आए, सब ने वादा किया, चाहे कोई भी बना, हर पिछले सरपंच साहब ने भी वादा किया था कि मैं वो आपका नाला सही कराऊंगा, उसके पीछे वाले ने भी किया, उनके पिछले वाले में ने किया, सब ने वादा किया था, लेकिन आज तक कोई बंदा ऐसा नहीं हुआ कि उस नाले को पूरा करवा सका। और मुझे नहीं, अभी भी उम्मीद ना के बराबर है। तकराजी मैं रोकना चाहूँगा, बात आपने कही के वादे किए, लेकिन एक कड़वी सच्चाई ये भी है, शायद आप मेरी बात से सहमत हो या नहीं हो, ये अकेले गिरी के लिए नहीं कह रहा हूँ बल्कि संपूर्ण ग्राम पंचायत में ऐसा होता है, जिस समय चुनाव होते हैं सरपंचों के या कोई भी, उस समय हम प्रत्याशी से हम पैसे लेते हैं, उनसे शराब पीते हैं, उनसे मांस मदिरा का ले लेते लालच में आकर उनको वोट देते, फिर हम ऐसे काम की कैसे उम्मीद करें उनसे? बिल्कुल आपका खान साहब कहना जरूर सही है, लोग पैसों में बिक जाते हैं, इस वजह से सरपंच जीतने के बाद गांव के विकास पर ध्यान नहीं देता है और अपने जेब पर ध्यान देता है, जिस वजह से गांव का विकास नहीं हो पाता है और अपन लोग चिल्लाते रह जाते हैं और वापस कहते हैं कि भाई उस आदमी आएगा तो वोट नहीं देंगे, फिर अपन उसको तो वोट नहीं देते पर दूसरे आदमी को वोट देते, उससे भी पैसे खा लेते, फिर वो भी विकास नहीं करवा पाता है। तो इसलिए अपन को ऐसे सच्चे आदमी के साथ रहना और निष्पक्ष रहो, किसी का एक पैसा मत खाओ, जब जाके अगर अपन गांव के विकास के बारे में सोच सकते हैं। बात है, आप नाम जाननी चाहूँ, कई नाम है आप? नाम गोरू है सर। कई नाम बताओ? गोरू।
बात से मैं जानने चाहूँ मारवाड़ी में मैं बोलूँ आपने मारवाड़ी समझ में जी गाँव रो मान आपने केड़ो सरपंच आपने छोको छोको केड़ो मार जेड़ो हाँ अच्छा सब छोका ही मिलने गया जोगा सब छोका है अच्छा खराब कोई कोई नहीं नहीं बजे आप किने चयन किनो करो बजे इतना जाना खड़ा रेड़ा किस्मत जी जी दे जाई आप नाम नहीं बताओ नाम नहीं बताओ अच्छा गांव में समस्या कहीं कहीं आता था आपने गांव ठीक ही है सर मुझे काम करने वाला करे ही है मैं जानना चाहूँ सरकारी योजना का लाभ थाने मिले कि नहीं मिले मिले सर मिले पेंशन आवे आप टाइम आते आवे बराबर आ रही है घर में हाल आशीष भी आवे मैं आशीष भर हूँ अब कटे आंदो तो आंदो ना तो हाल 800 रुपया आप रहे कहीं करो बजे इतना रुपया ने बजे खाने वाला जो जन बाप जी मारो को औलाद दे को नहीं अच्छा अच्छा हाँ औलाद है नहीं बोलो मारा भाई ने बोलो बोल जो क्यों हाँ 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 चिड़ो मत था चिड़ो मत चिड़ो आप सही कह रहे हो सही कहूँ सर रूट कहूँ जाओ भाई बैठो आप बैठा बस जी बैठी सब बैठी आप रमडा के कहूँ मैं तो हाँ तो मारो एक तो आग्रह है बादशाह के कोरोना महाकाल चल रही है घर में रहो चाहिए आपने बारे कम फिरो और कोई भाई साहब है हाँ भाई साहब आपका नाम जानना चाहूंगा सिकंदर खान सिकंदर खान जी गिरी के निवासी हो कैसा सरपंच तो आप मेरी तरह से एक न्यूट्रल होकर बता रहे ऐसा नहीं कि आप प्रदीप जी या मदन जी या कोई और हो उनके लिए नहीं जनता की हित के लिए आप बात करोगे कैसा चाहिए आपको सरपंच हमारे को सरपंच चाहिए जो गाँव के साफ सफाई हर व्यवस्था रखे व्यवस्था चाहिए गांव में जैसे स्कूल में जो भी सरकारी योजना आती है वो मिलनी चाहिए हमारे को ऐसा सरपंच चाहिए और पिछले वाले सरपंच साहब का कार्यकाल कैसा रहा अच्छा ही रहा कार्यकाल तो सर काम तो उन्होंने किया है ऐसी नहीं किया है जो काफ़ी काम बच गया है पीछे जो वो आने वाला करेंगे हाँ भाई साहब आपका नाम पन्ना लाल जी बोलने में क्यों झिझकाते हो बोलने में अरे लोकतंत्र है बोलना चाहिए आपको हाँ बेटा क्या नाम है आपका हितेश क्या नाम बताया हितेश आपको पता है आपकी ग्राम पंचायत में चुनाव है हाँ। हालांकि आपका वोट नहीं लगेगा हाँ। इस गांव में क्या क्या समस्या है यहाँ पर वहाँ पे देखिए वो रोडों पर कचरा ऐसे बिखर पड़ा है वो नाला है जो वो ही ऐसे ही है सब ऐसे ही काम तो आप चाहते हो कि उसका समाधान हो हाँ। उसके लिए अच्छा सरपंच चाहिए हाँ। तो मैं प्रदीप जी के पास फिर लौटना चाहूंगा और इनसे आग्रह करना चाहूंगा अपनी जो बात है कम शब्दों में कह चूंकि समय का अभाव है मेरा सर ये जनता की जो समस्या है पिछले मैं 7-8 सालों से ऑब्जर्व कर रहा हूँ और इन 7-8 सालों को ऑब्जर्व करते हुए ही मैंने मेहनत की है और तैयारी की है और गांव का आशीर्वाद से मैं खड़ा हुआ हूँ और मेरी यही इच्छा है कि सर्वप्रथम तो संपूर्ण गिरी ग्राम स्वच्छ रहे स्वस्थ रहे और सुरक्षित रहे दूसरी चीज़ ये है मेरी कि कई प्रकार के कार्य ऐसे हैं जैसे जेता कुपा जी के सर्कल बनाने हैं नरा सिंह जी राउत जी के सर्कल बनाने हैं वेलकम गेट बनने चाहिए जेता कुपा की पावन नगरी में और यहाँ पर ये मीराबाई की इतनी धर्म नगरी है मीराबाई के हाथों से चार भुजा के मंदिर में तस्वीर स्थापित की गई है तो मैं चाहता हूँ कि आसपास के क्षेत्र वालों को पता चले जैसे मेड़ता मीरा नगरी है वैसे गिरी भी मीरा नगरी है और सूरवीरों की जेता जी कुपा जी और नरा सिंह जी राउत जी की नगरी है मैं ये चाहता हूँ कि गाँव में विकास तो आपको करना ही है विकास के साथ में इरादे भी बुलंद होने चाहिए गांव का प्रत्येक नागरिक ऐसा सोचना चाहिए कि प्रदीप आचार्य को सरपंच बनाया है 5 साल बाद प्रदीप आचार्य को वापस गांव वाले एकत्रित करें और पूछे कि भाई आपने इतना अच्छा काम कराया है और आप कहोगे उसको सरपंच चुनेंगे हम वापस बहुत बहुत धन्यवाद प्रदीप जी आचार्य जी का लेते हैं ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं ब्रेक के बाद आपका स्वागत है मैं इस समय गिरी के एक बाजार में मौजूद हूँ मेरे साथ मौजूद है श्री मदन लाल जी जो इस गिरी ग्राम पंचायत में अपने जमाने में नेता भी रहे हैं और नेता है और सरपंच भी रह चुके हैं जहाँ तक मुझे मालूम है और इस बार अपना भाग्य आजमा रहे हैं इस गिरी ग्राम पंचायत सरपंच पद के लिए तो मैं इनसे जानना चाहूँगा मदन जी से जानना चाहूँगा आपका क्या विजन है क्या उद्देश्य है किस मुद्दे को लेकर आप चुनाव लड़ रहे हो मैं पूर्व में सरपंच रहा हूं और 560 वोटों से जीता हुआ हूं और मेरा एक ही उद्देश्य है कि गांव में विकास करूंगा गरीबों के साथ बैठकर सोशल वीडियो का भी प्रचार करूंगा देश हित गांव हित की भावना को लेकर के और किसी तरह का गांव के अंदर वातावरण शुद्ध रखूंगा और राजनीतिक में चुनाव के बाद किसी तरह की राजनीति में भावना से नहीं चलूँगा शुद्ध भावना से काम करूँगा
और जनहित का काम करूँ। मदन जी, वो दौर अलग था जब आप 500 और कुछ अधिक मतों से आप उस समय चुनाव में विजय रहते, लेकिन आज माहौल अलग है, आज आधुनिकता का दौर है, आज हर व्यक्ति जानता है कि अपने मत का कैसे अधिकार करे, आजकल हर जेब में मोबाइल है। ऐसी स्थिति में अब वो जमाना नहीं रहा, उस जमाने में तो कोई भी था तो हो सकता था, आज युवाओं का जमाना, युवाओं के जमाने में इस ऋण को जीतना बड़ा मुश्किल है, कैसे जीत पाओगे आप? शेरवान जी, पब्लिक जिस गांव का राजा पब्लिक बनाती है और लोगों की भावना है कि सक्षम बुजुर्ग आदमी को भी लोग मानते हैं, सक्षम गांव का एक नागरिक प्रथम नागरिक रहता है होता है और वो पंच पंचायत लेके गुजरों की बात को लेकर के आगे बढ़ते हैं, लोगों को गुजरों लोगों की सलाह भी लेते हैं, इसलिए मेरे में योग्यता है। मैं गांव को 5 साल ढंग से चलाया, किसी तरह का गांव में विवाद नहीं हुआ, किसी तरह का राजनीति पुलिस में कैस नहीं होने दिया और मैं मेरे ईमानदारी से कहता हूँ कि जनता की भावना के साथ जितना मैं मेरे को फुल मोहब्बत मिलेगा, मैं ये तमन्ना रखूँ 700 वोटों से मैं जीतूँगा और मैंने आगे के लिए मैंने 5 साल ढंग से सेवा की, मैंने 700 आदमियों को पेंशन की, 1000 आदमियों का चयनित कराया BPL में। नहीं नहीं, काम तो आप करते हो, आप झुंझर हो, इसमें कोई दो राय नहीं है, लगातार आपकी सक्रिय राजनीति है, इसे गिरी नहीं बल्कि जेतान विधानसभा क्षेत्र में भी आपका नाम है, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, लेकिन ये सरपंच का चुनाव बहुत कठिन चुनाव है। हाँ बादशाह, आपका क्या नाम है? मेरा नाम माणिक राम है सर। आपके ग्राम में समस्या क्या क्या है? हमारे समस्या तो कोई बात की समस्या नहीं है। नहीं, कोई बात की समस्या नहीं है, ये हो ही नहीं सकता को कोई बात की समस्या नहीं है। सभी थोड़ी बहुत होती है तो वो तो धीरे धीरे हो जाएगी पद मिलने के बाद में, अब क्या होता, अब तो कुछ नहीं, अब मांग करें तो वो मांगे पार होती नहीं है, जो पद मिलने के बाद में जो मांग होगी, हमारी जो परेशानी होगी, मांग करेंगे तो उसके बाद में मांग से जिसका पद मिलेगा वो हमारी पूर्ति करेगा। एक युवा भाई साहब, मैं एक युवा भाई को मैं जानना चाहूँगा, क्या नाम है भाई आपका? मेरा विनोद चौहान। उम्र कितनी आपकी? मेरी 17 साल। अभी तक आप मत का अधिकार नहीं रखते, फिर भी आप अखबारों में पढ़ते हो, गांव की समस्याओं के बारे में जानते हो, क्या समस्या है आपके इस गांव में और आने वाले आप सरपंच है, उम्मीद चाहते हो कि उस समस्या का समाधान करें? मैं सरपंच साहब से यही गुजारिश करूंगा कि जब गांव में बहुत सारी समस्या है, बहुत जगह पानी की भी सुविधा नहीं है, तो वहाँ पर हेडपम्प लगवाएं, और काफ़ी मदन जी ने काम करवाया था पिछली बार है, अब जो इनसे पहले इनके बाद बने उनका मैं नहीं कह सकता, पर इनका मैं कह सकता हूँ, इन्होंने कार्य करवाया है। भाई मैं जानना चाहूँगा, एक मिनट ताली रहने दो, मैं जानना चाहूँगा सहित गौतम जी पहलवान के घर से इस बार सरपंच थे, इनसे पहले जो थे, उनका कार्यकाल कैसा रहा इस गिरी ग्राम पंचायत के लिए? इनका कार्यकाल तो अब ठीक ठीक था, और ऐसे अब ये भी खड़े हैं, इनसे आप पूछ सकते हैं इनका कार्यकाल कैसा रहा। एक बादशाह है, वर्द बादशाह है, मैं जिनसे आपरो नाम जानी चाहूँ, आपरो कई नाम है? नाम पार्षद बाबू। हाँ कोई बात नहीं, आप कहो सरपंच चाहो इन्हें गिरी ग्राम रे मायने। अच्छो गांव में समस्या कहीं कहीं है? गांव में तो बाप जी समझे मतलब तो फिर हो को नहीं, नहीं मने तो दिखे ठीक है। आपने पेंशन मिले? हाँ मिलेगा। राशन बराबर मिल लिया? राशन नहीं देगा। देगा बराबर नहीं दे। आपने राशन क्यों नहीं दे? मने कहीं था नहीं, आपने आपने ठाकुर यूँ कह दिया है, थर अंगूठे नहीं आया, अंगूठे तो बाद दिन पड़ता आ गया, शरीर में खून खींच गया, लेकिन आपको वो अंगूठा का है वो नहीं मिलता, लेकिन आप लाभार्थी तो हुई हो, सरकारी योजना का लाभ आपको मिलता है। अच्छा, लेकिन आपके बच्चे या आपकी धर्मपत्नी वो जाकर आराम से ले सकते। और कोई भाई साहब है जो बोलना चाहेंगे? क्या नाम है भाई आपका? नाम हीरालाल है। बहुत बहुत धन्यवाद खान साहब, आप हमारे गांव में अगर चुनाव आ रहे हैं, चुनाव के लिए चर्चा के लिए आप आए हो। मैं जानना चाहूँगा कि इस ग्राम पंचायत में कैसा सरपंच होना चाहिए, कैसा सरपंच एज मेरी तरह से न्यूट्रल होकर, ऐसा नहीं कि आप मदन जी या जो भी है उनकी पक्ष लो, आप एज न्यूट्रल मेरी तरह न्यूट्रल होकर बताना। मैं आपसे ये कहता हूँ कि मैं किसी के दबाव में नहीं हूँ, किसी पार्टी से नहीं हूँ, और जिस तरह आप हो उसी तरह मैं हूँ। गाँव में एक अनुभवी व्यक्ति की ज़रूरत है, और गाँव में ऐसे लोगों की ज़रूरत नहीं है जो जो गांव के चारों तरफ जो दंगाएं चल रहे हैं, गांव में चारों तरफ लोग एक दूसरे को भिड़का रहे हैं, ऐसे लोगों की गांव को ज़रूरत नहीं है। गांव में एक अनुभवी लोगों की ज़रूरत है जो पहले से अनुभव रखते हैं, और गांव में शांति
के लिए जो लोग या शांति बनाने के लिए लोग जुटे हुए हैं, ऐसे अनुभवी लोग ही यहाँ गांव में सख्त ज़रूरत हैं और ऐसे लोग ही हम लाएंगे, ये हम आपको वादा करते हैं। बहरहाल कुल मिलाकर गांव की ये मांग है कि जो योग्य एवं अनुभवी व्यक्ति है उसको लोग चाहते हैं, ऐसा इनका सोचना है। तो लेते हैं एक ब्रेक, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मेरे साथ एक माताजी मौजूद है। माताजी मैं आपका नाम जाननी चाहूँ। मां नाम नौरती देवी। का ही नाम है? नौरती देवी। नौरती देवी जी, नारपुरो गांव है आपरो? आप केड़ो सरपंच छई जा आपने इने गांव रे बात है? रमेश। गांव में समस्या कहीं कहीं आप रहे की ठा पड़े? आपने राशन मिला? आपने गाँव वगैरह मिला आपने? टाबर टूबर कितना आप रहे? एक भाई पढ़ने जाए स्कूल? जोड़ी। अच्छा, आंगनबाड़ी में कार्य करता है? नहीं, जो भी है मैं थाने आज पूछनी चाहूँ की लॉकडाउन मायने कई हालात था थाना गाँव रहा? हालत बुरी थी, बुरी बुरी हालत। कोई बात नहीं, आने वाला टाइम मान चुनाव है, बढ़िया आदमी रो चयन कर जो। तो मेरे साथ मौजूद है नारपुरा ग्राम के कुछ लोग जो गिरी ग्राम पंचायत का एक हिस्सा है। भाई साहब से जानना चाहूंगा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रसूल है साहब। कैसा सरपंच आते हो, क्या समस्या है आपके गाँव की? गिरी ग्राम पंचायत का एक ये गाँव है नारपुरा भी, इस गाँव में क्या समस्या है? मेरी समस्या ये है सर, लॉकडाउन का ये सोशल डिस्टेंस रखते हुए ग्रामीण एरिया है, मगरा बेल्ट से सटा हुआ। हमारे एरिया में एक नहीं बहुत सारी समस्याएं, लेकिन सरपंच ऐसा हो जो 36 कोम को पूरे ग्रामीण एरिया को साथ में लेते हुए शिक्षा का, विशेष करके शिक्षा मगरा बेल्ट से सटा हुआ है और ग्रामीण एरिया तो थोड़ा शिक्षा का वैसे तो है, लेकिन फिर भी ऐसा सरपंच हमारे को मिले जो इस एरिया में जैसे कि आपके सामने है, इतना विकास तो नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी ऐसा हमारे को सरपंच मिले जिससे कि सबका, एक का नहीं पूरे गांव का नहीं पूरी गिरी ग्राम पंचायत का अच्छा विकास हो। धन्यवाद भाई साहब। हाँ, एक भाई साहब थे वो, हाँ नाम जानना चाहूंगा आपका? रमेश सिंह। शायद उम्मीदवार हो आप भी? हाँ बिल्कुल। किन मुद्दों पर आप चुनाव लड़ने जा रहे हो? मैं मेरे मन से चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ, 36 कौम ने मुझे उम्मीदवार बनाए तो उनकी हर ख्वाहिश हर उम्मीद पूरी करूंगा। मैं जानना चाहूंगा गत सरपंच साहब का कार्यकाल कैसा था जो थे गिरी ग्राम पंचायत में? ठीक था, अच्छा था। और आपके इसे गिरी ग्राम के अलावा जो नारपुरा गांव है, इस ग्राम की क्या समस्या है जिसका आप समाधान करोगे? हर समस्या का, जैसे गरीबों को उनका हक दिलाना, पंचायत स्तर पे जो सरकारी समस्या है जो उनका सब उन तक पहुंचाने का भी। आपको उम्मीद है आप जीत जाओगे? वो मैं नहीं कह सकता, वो 36 कौम की जनता जो चाहेगी जो होगा, और वो 28 तारीख को पता लग जाएगा कौन जीतेगा जी। बहरहाल बताना चाहूँगा, मैं इस समय गिरी ग्राम पंचायत के नारपुरा ग्राम में मौजूद हूँ जहाँ ये गिरी ग्राम का ही एक पार्ट है, एक गांव है, पहाड़ी इलाका है, दरअसल ये पहाड़ी इलाका है। गिरी ग्राम एक ऐसा ग्राम है जहाँ मारवाड़ की संस्कृति भी है तो मगरे की संस्कृति भी है। तो बहरहाल अब आपसे इजाज़त लेना चाहूँगा, आप हमारे साथ बने रहे, लगातार बने रहे। जैसा मैंने बताया था कि हम जेता न्यूज लगातार इन ग्राम पंचायतों के चुनाव को लेकर सिलसिलेवार विभिन्न ग्राम पंचायतों का चुनाव यात्रा अभियान चला रही है। तो बहरहाल लेते हैं आपसे इजाज़त, बने रहे हमारे साथ। मैं आईबी खान कैमरामैन रंजीत चौहान के साथ इस गिरी ग्राम पंचायत मुख्यालय से, आप हमारा चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो के बारे में कोई राय हो वो राय अपनी इस टिप्पणी में जरूर दें। धन्यवाद।